Chapter 4, Word Processing with Microsoft Word. Microsoft Word 2010. Formatting a Word document. Microsoft Word में formatting हम कैसे करते हैं? Formatting means making the document look attractive, presentable and being able to important parts of the contents. हमारे जो contents का जो important parts होता है उसको attractive way में show करने के लिए हम formatting का use करते हैं. We can apply different types of formatting to the text by using the tools in font group of the home tab. Home tab में अपने text को format करने के लिए different type के tools हमें मिलते हैं, जैसे font, font size, text effect, text highlight color, superscript, subscript, change case, formatting text using font dialog box. Font refers to the style of formatting to the text by using the tools in font group of the home tab. किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करने के लिए हम होम टैब में फॉन्ट ग्रुप पर फॉन्ट्स पर क्लिक करते हैं. स्टेप क्लिक द फॉन्ट एरो इन द फॉन्ट ग्रुप. होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट फंक्शंस पर एरो क्लिक किए जाते हैं. सेलेक्ट द फॉन्ट यू वांट एंड स्टार्ट टाइप. इसके बाद जो फॉन्ट के स्टाइल्स आते हैं उसमें से हम फॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं. इसके बाद जो भी हम टाइप करते हैं, जिस तरह का हम जो फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट किया उस तरीके से हमारी टाइपिंग्स उस स्टाइल्स में हो जाती है. फॉन्ट साइज टू चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ द फॉन्ट. किसी भी टेक्स्ट का साइज चेंज करने के लिए फॉन्ट साइज फंक्शन का यूज करते हैं. स्टेप क्लिक द फॉन्ट साइज एरो इन द फॉन्ट ग्रुप. इसके लिए सबसे पहले हम होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट साइज फंक्शंस पे एरो लेके जाते हैं. सेलेक्ट द फॉन्ट साइज इन द फॉन्ट ग्रुप. फॉन्ट ग्रुप में से फॉन्ट साइज को सिलेक्ट करते हैं. यू वांट एंड स्टार्ट टाइप. इसके बाद हम टाइपिंग स्टार्ट करते हैं. अगर हमने फॉन्ट का साइज 20 लिया है तो हमारा साइज 20 साइज में हमारी टाइपिंग होगी. अगर हम 40 लेंगे तो 40 इस साइज में हमारी टाइपिंग होगी. जितना बड़ा साइज लेते हैं फॉन्ट का साइज उतना ही बड़ा होता है. अगर छोटा लेते हैं तो उतना ही साइज छोटा होगा. फॉन्ट कलर टू चेंज द कलर ऑफ द फॉन्ट. किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए हम फॉन्ट कलर फंक्शन का यूज करते हैं. स्टेप क्लिक द फॉन्ट कलर एरो इन द फॉन्ट ग्रुप. इसके लिए सबसे पहले हम होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट कलर फंक्शंस पर एरो लेके जाते हैं. सेलेक्ट द फॉन्ट कलर इन द फॉन्ट ग्रुप. इसमें से जो विंडो ओपन हो कार्य कलर की इसमें से हम कलर सेलेक्ट करते हैं. यू वांट एंड स्टार्ट टाइप. इसके बाद हम टाइपिंग स्टार्ट करते हैं. जो कलर हमने सेलेक्ट किया उसी कलर में टाइपिंग स्टार्ट कर देता है. टेक्स्ट इफेक्ट टू गिव स्पेशल इफेक्ट टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट. हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट में स्पेशल इफेक्ट देने के लिए हम टेक्स्ट इफेक्ट फंक्शन का यूज करते हैं. स्टेप सेलेक्ट द टेक्स्ट क्लिक द टेक्स्ट इफेक्ट इन द फॉन्ट. जिसका हमें इफेक्ट चेंज करना उसको हम पहले सेलेक्ट करते हैं. इसके बाद हम होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में टेक्स्ट इफेक्ट फंक्शंस पे क्लिक करते हैं. जो स्टाइल्स दिखाई दीजिए उनमें से हम स्टाइल सेलेक्ट करते हैं तो हमारे फॉन्ट का स्टाइल वही हो जाता है. टेक्स्ट हाईलाइट कलर टू हाईलाइट द सिलेक्टेड टेक्स्ट. किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हम हाईलाइट टेक्स्ट हाईलाइट कलर फंक्शंस का यूज करते हैं. जिससे हम अपनी कॉपी में किसी भी मेन चीज़ को हाईलाइट करने के लिए हाईलाइटर का यूज करते हैं. इसी तरीके से कंप्यूटर में हम किसी भी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए हाईलाइट कलर का यूज करते हैं. स्टेप सेलेक्ट द टेक्स्ट क्लिक द टेक्स्ट हाईलाइट कलर इन द फॉन्ट ग्रुप. इसके लिए सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं. इसके बाद फॉन्ट ग्रुप में टेक्स्ट हाईलाइट कलर्स पर क्लिक करेंगे और कलर को सिलेक्ट करेंगे. जो कलर हम सिलेक्ट करें उसी कलर का हमारा टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा. सबस्क्रिप्ट व्हेन टेक्स्ट इज रिटर्न बिलो द लाइन ऑफ नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट. किसी भी टेक्स्ट में कोई टेक्स्ट हमें अगर डाउन में लिखना है तो उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट फंक्शन का यूज करते हैं. सेलेक्ट द टेक्स्ट क्लिक द एक्स टू बटन फॉर सबस्क्रिप्ट. इसके लिए सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और एक्स टू बटन पर क्लिक करते हैं. हमें जैसे हमने इक्वेशन लिखी है ये केमिकल इक्वेशन, इसमें हमें H2O लिखना है तो हमें जो 2 है वो हमें नीचे लिखना होता है. इसके लिए हम 2 को सिलेक्ट करके सब इसके फंक्शंस पर क्लिक कर देते हैं तो 2 हमारा डाउन बिलो में शो करता है. सुपरस्क्रिप्ट व्हेन टेक्स्ट इज रिटन अबव द लाइन ऑफ नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट. किसी भी टेक्स्ट को अपनी लाइन से ऊपर की साइड लिखने के लिए हम सब सुपरस्क्रिप्ट फंक्शन का यूज करते हैं. अगर हमें कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला लिखना हो उसके लिए हम या फिर स्क्वायर लगाना हो इसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट फंक्शन का यूज करते हैं. स्टेप सेलेक्ट द टेक्स्ट क्लिक द स्क्वायर बटन फॉर सुपरस्क्रिप्ट. इसके लिए हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट बटन पर क्लिक करते हैं. जो हमें एक्स स्क्वायर का फंक्शन दिखाई दे रहा है ऊपर फॉन्ट ग्रुप में, ये हमारा एक्स सुपरस्क्रिप्ट का फंक्शन है. इसके लिए हमने ए प्लस बी स्क्वायर बी टू लिखकर 2 को सिलेक्ट किया है. इसके बाद हमने सुपरस्क्रिप्ट फंक्शन पर क्लिक किया है.
फॉर्मेटिंग टेक्स्ट यूजिंग फोन डायलॉग बॉक्स। ये जो भी हमने फंक्शंस करे थे फोन के साइज के कलर, ये सब इस फोन डायलॉग बॉक्स से भी हो जाते हैं। यू कैन मेक यूज ऑफ द फोन डायलॉग बॉक्स टू फॉर्मेट द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। और किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए फोन डायलॉग बॉक्स का भी यूज करते हैं। स्टेप सेलेक्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, क्लिक द बटन इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द फोन ग्रुप इन द होम टैब। होम टैब के राइट कॉर्नर पर हम छोटे से एरो पे क्लिक करते हैं तो ये फोन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यूज द वेरियस टूल्स टू फॉर्मेट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के वेरियस टूल्स में अवेलेबल होते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ए डॉक्यूमेंट इन वर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ सेंटेंस एंड पैराग्राफ। व्हेन यू प्रेस द एंटर की ए इंसर्ट ए पैराग्राफ इन इंसर्टेड ऑटोमेटिकली। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें कोई नया पैराग्राफ लिखना हो तो इसके लिए जहाँ हम टाइपिंग कर रहे हैं जैसे हम एंटर की प्रेस करते वैसे ही न्यू पैराग्राफ ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। अलाइनमेंट द पैराग्राफ। व्हेन यू इज एंटर इन द वर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट इट इज अलाइन टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज मार्जिन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम कोई भी वर्ड्स टाइप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो लेफ्ट अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट सेट रहता है। स्टेप सेलेक्ट द पैराग्राफ, क्लिक द अलाइनमेंट फ्रॉम द होम टैब पैराग्राफ। सबसे पहले हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप पर क्लिक करते हैं। अलाइनमेंट फंक्शंस पे राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, जस्टिफाइड। अगर हम अपने टेक्स्ट को लेफ्ट करना है तो हम टेक्स्ट में लेफ्ट अलाइन सेलेक्ट करते हैं, अगर राइट करना हो तो राइट अलाइन सेलेक्ट करते हैं, अगर सेंटर करना हो तो सेंटर अलाइन, और जस्टिफाइड करना हो तो जस्टिफाइड अलाइन सेलेक्ट। जस्टिफाइड का मीन्स होता है कि हमारा टेक्स्ट दोनों साइड से लेफ्ट और राइट बोथ साइड से इक्वल हो। पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग। इट इज इम्पॉर्टेंट टू गिव प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द पैराग्राफ लाइन ऑफ द डॉक्यूमेंट। किसी भी टेक्स्ट को जब हम लिखते हैं तो हमारी होता है कि जितनी भी हमारी लाइन है सबके बीच में बराबर ही इक्वल सिक्वेंस में स्पेस हो, इसके लिए हम पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग फंक्शन का यूज करते हैं। सेलेक्ट द पैराग्राफ, क्लिक लाइन स्पेसिंग द होम टैब पैराग्राफ ग्रुप। इसके लिए सबसे पहले हम पैराग्राफ टैब पर क्लिक करते हैं, होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप पर। इसमें हम लाइन स्पेसिंग के फंक्शन पर क्लिक करते हैं। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी हमें 10, 15, 20 जितना हमें गैप चाहिए उतना हम यहाँ से नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारी लाइनों के बीच में गैपिंग होगी वो इक्वल होगी। पैराग्राफ इंडेंट्स। इंडेंटेशन द डिस्टेंस ऑफ द पैराग्राफ आइदर फॉर लेफ्ट और राइट मार्जिन्स। जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो हम 1 इंच या फिर 1/2 इंच का थोड़ा गैप देके लिखते हैं। ये गैप हम लेफ्ट साइड से भी छोड़ सकते हैं और राइट साइड से भी, इसी के लिए हम पैराग्राफ इंडेंट फंक्शन का यूज करते हैं। स्टेप सेलेक्ट द पैराग्राफ, क्लिक इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट बटन इन द होम टैब पैराग्राफ ग्रुप। जब भी हम कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं उसमें अगर हमें पैराग्राफ इंक्रीज करना, मीन्स हमारा लेफ्ट साइड से 0.5 का गैप है हमें 1 इंच का करना है, तो हम इंक्रीज इंडेंट्स का यूज करेंगे। अब वही चीज अगर हमें इसको 0.5 में वापस लेके आना है तब हम डिक्रीज इंडेंट्स का यूज करेंगे। बॉर्डर शेडिंग। ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट कैन बी गिवन ए बॉर्डर एंड इवन शेडेड यूजिंग बॉर्डर एंड शेडिंग टूल्स इन वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को यदि हमें बॉर्डर देना हो तो हम या फिर शेडिंग देनी हो तो हम बॉर्डर एंड शेडिंग फंक्शंस का यूज करते हैं। स्टेप सेलेक्ट द पैराग्राफ, क्लिक होम टैब पैराग्राफ ग्रुप। इसके लिए सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, पैराग्राफ को होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप पर क्लिक करते हैं, क्लिक बॉर्डर एंड शेडिंग एरो। इसके लिए हम बॉर्डर एंड शेडिंग एरो पर क्लिक करेंगे, फिर सिलेक्ट द बॉर्डर, बॉर्डर पर सिलेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा जो हमारा टेक्स्ट है उसके चारों तरफ एक बॉर्डर आ जाएगा, चाहे पेज के लिए भी आ सकता है वो बॉर्डर, अगर हम चाहें तो अपने टेक्स्ट के लिए भी आ सकता है। इसी के लिए हम बॉर्डर एंड शेडिंग फंक्शंस का यूज करते हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग टू पुट ए लिस्ट ऑफ आइटम इन ए ऑर्डर। जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं या कोई हम लिस्ट बना रहे हैं नेम की लिस्ट, तो हम उसके स्टार्टिंग में या तो कोई बुलेट्स लगाते हैं या नंबरिंग लगाते हैं, इसी के लिए हम बुलेट एंड नंबरिंग फंक्शंस का यूज करते हैं। स्टेप सेलेक्ट ए लिस्ट ऑफ टेक्स्ट जिसमें हमें बुलेट या नंबरिंग लगानी है उसे हम सिलेक्ट करते हैं, क्लिक होम टैब पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में होम टैब पर क्लिक करते हैं, क्लिक बुलेट और नंबरिंग बटन। इसमें बुलेट्स और नंबरिंग के 2 बटन्स होते हैं, ऊपर वाले में बुलेट्स शो कर रहा है, नीचे वाले में नंबरिंग शो कर रहा है। सेलेक्ट बुलेट और नंबरिंग फॉर्मेट। इसके बाद हम बुलेट्स पर क्लिक कर रहे हैं, बुलेट्स के कई फॉर्मेट्स पर शो कर रहा है, जिस तरीके हमें बुलेट लिस्ट चाहिए वो फॉर्मेट आप सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह नंबरिंग पे क्लिक करते हैं तो नंबरिंग की भी डिफरेंट फॉर्मेट्स शो कर रहा है, जिस तरह का फॉर्मेट हमें चाहिए वही फॉर्मेट
फॉर्मेट हम सिलेक्ट करते हैं वही नंबर फॉर्मेट हमारे जो सिलेक्टेड आइटम्स लिस्ट का है उसका हो जाता है। फॉर्मेट प्रिंटर, फॉर्मेट प्रिंटर लेट्स अस कॉपी द फॉर्मेटिंग यूज्ड इन वन ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट टू अनदर ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। जब भी हमारा जैसे कि ऊपर आपको जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है फॉर्मेट प्रिंटर और स्टेप दोनों में क्या है सेम कलर है, हमें सेम तरह का अगर हमें टेक्स्ट चाहिए तो हम क्या करते हैं फॉर्मेट प्रिंटर फंक्शंस का यूज करते हैं। सिलेक्टेड टेक्स्ट क्लिक होम टैब क्लिक बोर्ड ग्रुप पर क्लिक फॉर्मेट प्रिंटर क्लिक टेक्स्ट। सबसे पहले हमें जिसका टेक्स्ट का कलर चेंज सेम करना है उसको हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम होम टैब में क्लिक बोर्ड ग्रुप पर फॉर्मेट प्रिंटर फंक्शंस पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट हम टेक्स्ट को क्लिक करते हैं, मीन्स जैसे कि आपने ये ऊपर वाला जो फॉर्मेट वर्ड है इस पर क्लिक करेंगे, इसका जो कलर आ रहा है ब्लू वही कलर हमें नीचे क्लिक टेक्स्ट का चाहिए सिमिलर, तब हम क्या करेंगे सबसे पहले हम ऊपर वाला जो पैराग्राफ है ये पर्पल कलर का इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे फॉर्मेट प्रिंटर फंक्शंस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे हम क्लिक टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो दोनों का कलर क्या होगा सिमिलर हो जाएगा, कलर साइज दोनों तीनों जो भी इफेक्ट हमने फर्स्ट वाले के लिए दिए पैराग्राफ के लिए वही ही सेम टू सेम हमारे नीचे क्लिक टेक्स्ट वर्ड के लिए दिए हो जाएंगे। इसके लिए हम फॉर्मेट प्रिंटर फंक्शन का यूज करते हैं।